हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपके दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए डेट शीट आ चुकी है और असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड, उसी के रिगार्डिंग हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ असाइनमेंट्स के सॉल्व आंसर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आपके बीए ऑनर्स कोर्स की हम बात करने वाले हैं। बीईजीसी 112 का फ्रेंड्स लेटेस्ट असाइनमेंट का आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सॉल्व असाइनमेंट्स इंग्लिश डिसिप्लिन ऑनर्स कोर्स बीईजीसी 112, ठीक है, ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स BAEGH आपका प्रोग्राम का नेम है और आज हम बात करने वाले हैं बीईजीसी 112 के असाइनमेंट के सॉल्व आंसर्स के बारे में। यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेशन लेटेस्ट सेशन है 2022 एंड जनवरी 2023 सेशन के लिए ये वैलिड है। फिफ्थ सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको ये असाइनमेंट्स कब तक सबमिट कराने होंगे। अगर हम दिसंबर एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर की डेट दी गई है। सो आप 31 अक्टूबर तक इजीली अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं और सबमिट करा सकते हैं। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ऑन, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इस तरह की वैल्यू एडेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स असाइनमेंट क्वेश्चंस की एंड देन आंसर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए सेक्शन बी में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बताना है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के आंसर को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्निज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, मॉडर्निज्म लिटरेचर इज इनोवेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल इन फॉर्म एंड कंटेंट। दीज एक्सपेरिमेंटल राइटिंग्स वर एट देयर हाइट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 decades एंड स्लोली डिक्लाइंड ओवर द नेक्स्ट 2 decades। द इंटरवेनिंग वर्ल्ड वार 1939-45 started the downslide of modernism and less than 2 decades thereafter post modernism become the dominant theory। फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि आपको अपना असाइनमेंट्स की जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करके अपने असाइनमेंट सबमिट कराने होते हैं, क्योंकि आपको डिग्री पास करने के लिए असाइनमेंट सबमिशन जरूरी होता है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें ताकि आपको पूरा का पूरा आंसर मिले, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं आगे। मॉडर्निज्म पीक्ड बिटवीन 1910 एंड 1930 With some of the best works produced in England and Europe by great English poets, artists and novelists like T.S. Eliot, W.B. Yeats, Ezra Pound, Wyndham Lewis, Virginia Woolf, Wallace Stevens and Gertrude Stein, and French and German writers like Marcel Proust, Stephen Mallarmé, Andre Gide, Franz Kafka and Rene Maria Rilke. Their writings were characterized by, यहाँ पर फ्रेंड्स हम पॉइंट्स में इसके आंसर को बताने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन इम्प्रेशनिज्म एंड सब्जेक्टिविटी, हाउ वी सी रेदर देन व्हाट वी सी एंड एविडेंट इन द स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। पॉइंट नंबर 2, रिजेक्टिंग ऑब्जेक्टिविटी इन नोवल सच एज एन ओमनीसाइंस्ड एक्सटर्नल नरेशन, वेल डिफाइंड मोरल पोजिशन एंड फिक्स्ड नरेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। पॉइंट नंबर 3, ब्लरिंग ऑफ जेनरेस वेयर बाय नॉवेल्स आर पोएटिक एंड लिरिकल एंड पोएम्स मोर लाइक प्रोज डॉक्यूमेंट्रीज। पॉइंट नंबर 4, फ्रेगमेंटेड फॉर्म, डिसकॉन्टिन्यूस नरेटिव एंड माउंटिंग ऑफ कॉलेजेस ऑफ डिस्परेट मटेरियल। एंड पॉइंट नंबर 5, अ टेंडेंसी टुवर्ड्स रिफ्लेक्सिविटी वेयर द राइटिंग सच एज नॉवेल्स और पोएम रेज इश्यूज अबाउट देयर स्टेटस एंड देयर नेचर। ओके, सो ये जो सभी पॉइंट्स मैंने आपको अभी रीड करके बताए हैं फ्रेंड्स, ये सभी आपके पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म के लिए, ठीक है। सो आप इसको एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रेफर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए है क्योंकि ये एप्ट आंसर आपके क्वेश्चन का हो सकता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। मॉडर्निज्म बिगिन टू डिक्लाइन इन 1930s। The 1960s saw the beginnings of the postmodernism. जो मॉडर्निज्म था वो डिक्लाइन होने लगा था 1930 से और 1960 से देखने लगे न्यू बिगनिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म की। पोस्ट मॉडर्निज्म लाइक मॉडर्निज्म इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स
eclectic approach, the use of fragmented form, recall Eloyd in the Westland. These fragments I have showed against my ruins. By its preference for aleatory writing and absence of the omniscient narrator, but the difference arises in the mood, attitude, outlook of the two genres towards these three features. In postmodern literature, written in 1950, soon after the end of the World War II, this is reflected in the minimalism and by shrinking poems to two word line. Samuel Beckett brought a new theater of minimalist plays that have a stage time of 13 minutes, plays that have just one speaker, plays where the setting is bare and costumes reduced to the barest minimum of faded and torn jeans and shirts, but encapsulating within them profound observations on the meaninglessness of life and on the futility and absurdity of existence. ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप इसके बारे में लिख सकते हैं इस तरह से. आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या लिख सकते हैं. मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ इन द स्टार्टिंग. सो ये बेहद इंपॉर्टेंट ही आंसर आपके असाइनमेंट्स के लिए होने वाला है. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप gulibaba.com की हेल्प ले सकते हैं. अगर आप इसके लिए बुक भी रेफर करना चाहते हैं तो आप हेल्प बुक को gulibaba.com से परचेज कर सकते हैं, जो आपको ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर दी गई है. सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली मिल जाएगा. नो वरीज अबाउट इट, आप जा सकते हैं और डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करने पर ये पेज ओपन होगा, जहां पर आपको सारी बुक की डिटेलिंग्स देखने को मिलेंगी. प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे. सो आपको कहीं और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑल इन वन बुक आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. आज हमने बात की BEGC 112 के असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर्स के बारे में. सो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स.